इन 5 क्लासेस में जब मेरा नाम पुकारा गया तो सब लोग देख रहे थे ऐसे इधर उधर, और मैं कह रहा था मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और बहुत सारे, क्योंकि सब बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे इकट्ठे थे, तो बीच में खड़ा हुआ था, लेकिन मैं बहुत देर तक दिखे ही नहीं मैं कहाँ हूँ। हेलो, आई एम नैना एंड ही इज किट्टू। And today we are going to take the interview of Mr. Rajpal Yadav. Hello. Hi. आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो बेटा? हम लोग अच्छे हैं। तुम दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपको भी। Thank you. राजपाल अंकल, जब हम आपको गूगल कर रहे थे तो आपकी डेथ के बहुत सारे रूमर्स मिले। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। बैठे हैं, बैठे हैं, भूत नहीं है। चलो ठीक है। नहीं, अच्छा है कि तुमने मुझे बुला के अब मेरे जिंदा होने का सबूत दे दिया कि मैं जिंदा हूँ। अब हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। सरल सरल पूछना। ठीक है। आप अपने स्कूल का एक एक्सपीरियंस बताओ। हे भगवान। एक बार क्या हुआ, स्कूल में तो पानी भरा हुआ था। कहाँ पे पानी भरा था? हमारे स्कूल में एक छोटा सा गड्ढा था, पॉन्ड जैसा कुछ। तो हम लोगों ने सलाह की कि जैसे ही सब छुट्टी होगी तो अपन यहीं रुक जाएंगे। और आज जो है सबसे सही मिला है, वो पानी को जो है वो निकालने लगे, निकालने लगे, लेकिन एक ऐसी चीज़ मिली जिसमें चारों तरफ से बैठ के हम लोगों ने पकड़ी थी और उसको बाहर लेके आए और बहुत खुश थे कि क्या चीज़ है। और सब लोग बोलते थे नदी से एक ऐसी चौड़ी मछली बड़ी आ जाती थी, जब उसको खोला गया तो स्नेक था। और वो मछली समझ के हम लोग ऐसे पकड़ के ले आए। जब राजपाल अंकल आपको राधा आंटी से आइसक्रीम खाते खाते प्यार हुआ था और आपने उनसे शादी कर ली, कैसे हुआ था बताओ? तो इसमें अभी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें ये सब पूछने के लिए बहुत अभी टाइम है? आपको बताना तो पड़ेगा। तो अब आइसक्रीम अच्छी जगह है ना, आइसक्रीम अच्छे लोग खाने जाते हैं। तो ऐसी बोला। ऐसे एक लिफ्ट मिल गई थी आइसक्रीम खाने के बहाने, तो उसके बाद में वहीं पे जाना था आइसक्रीम खाने, और वहीं आपकी आंटी से बातचीत होने लगी। राजपाल अंकल, अब आप तमिल मूवी करने वाले हो, तमिल में बोल के दिखाओ नैना एंड किट्टू आर द बेस्ट किड्स इन द वर्ल्ड। तो बेटा हम लोग तो डायलॉग मिलते हैं, उसको हम लोग अपने तरीके से तैयार करके जो तो है उसको तब भी आप कर रहे हो तो आपको पता नहीं। ओके, तो नैना किट्टू इन द अलगतला, नैना किट्टू नींग इन द अलगतला बेस्ट पुन्न पया। चलो ठीक है, कन्विंस नहीं है। और आपकी कौन सी मूवी आ रही है, नाम क्या है? अभी उसका टाइटल नहीं पड़ा बेटा, अनटाइटल्ड। डायरेक्टर कौन? अभी केएस रवि कुमार जी हैं। स्टोरी क्या है? सॉरी, अभी सब कुछ पूछ लोगे, सब कुछ बोलो, फिर बोलो रिलीज कब हो रही है, फिर बोलो कि वहाँ पे क्या, पर क्या, फिर मतलब सिनेमा हॉल में नहीं जाओगे? जाएंगे। आपने कभी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया? कबड्डी हमेशा बहुत अच्छा, बचपन से लेके जब तुम्हारी उम्र थे तब भी कबड्डी खेलते थे। आप तो छोटे थे तो भाग जाते होंगे कहीं से भी। नहीं, हमेशा लगभग, अगर जैसे उदाहरण के लिए 100 मैच खेले तो कम से कम 90 में कैप्टन बन के ही हमेशा खेले, और 100 में हमेशा 90% मैच भी जीते। और तो आपको चोट लगती थी, पकड़ के फेंक दिया, दबा लेना होता है ना तो उसमें। तो मैंने तो जितने भी देखोगे, ये पैर जो देख रहे हो जितना, ये जितने भी हैं बेटा, ये अभी इसलिए नहीं करता हूँ कि 2 महीने फिर कैसे अगर आराम करने लगूंगा तो फिर शूटिंग रुक जाएगी, नहीं तो यहाँ तक तो हमेशा पट्टी ही कहीं इधर कहीं इधर। हमको एक जोक सुनाओ। एक ये तुम्हें वो जोक सुनाता हूँ जो हमने कभी भी, कभी जब मैं आपकी उम्र में था तब मैंने कहीं से पढ़ा था और ये सुनाया था कि एक गांव में एक आदमी रहता था,
तो एक बार उसकी माँ मर गई, वो बहुत रो रहा था कि हाय 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 हाय। तो सुबह सुबह गांव में सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए और सब बोले, क्यों रो रहे हो बेटा, कैसे रोते हैं, अच्छे से क्यों नहीं, क्या हुआ? माँ चली गई, दुनिया थोड़ी चली गई, हम सब तुम्हारी माँ ही तो हैं। फिर अगले दो तीन साल बाद वो एक दिन अचानक सुबह सुबह 5 बजे बहुत कस के रो रहा था, पूरा मोहल्ला ने सुना, कोई वहाँ महिला नहीं, वहाँ पे सब आदमी लोग बुढ़े पहुँचे, यार तुम, बोले क्या हर साल तुम्हारा रोना धोना चालू रहता है, अभी तुम्हें क्या हुआ? बोले नहीं, अभी तो डबल ट्रेजिडी हो गई। तो बोले क्या? बोले एक तो वाइफ ख़त्म हो गई, और जब से पत्नी ख़त्म हुई है तब से लगातार रो रहा हूँ, पूरे मोहल्ले की एक महिला नहीं आई जिसने कहा तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी पत्नी। अपने स्कूल का एक फनी या फिर एम्बैरेसिंग मोमेंट बताइए। सिक्स्थ में जब मैं था तो वहाँ पे पूरे क्लास में सबसे छोटा मैं था और सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे थे, और मुझे पूरे स्कूल में जो है जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो सब लोग देख रहे थे ऐसे इधर उधर, और मैं कह रहा था मैं यहाँ हूँ, और बहुत सारे, क्योंकि सब बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चे इकट्ठे थे, तो बीच में खड़ा हुआ था लेकिन मैं बहुत देर तक दिखे ही नहीं मैं कहाँ हूँ। अब हम आपसे जीके क्वेश्चंस पूछेंगे। हे भगवान, ये भी सिंपल पूछ लेना। सिंपल ही है। व्हाई डू कैंगरूज हैव पॉकेट्स? नो, आई डोंट नो। इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। ये जीदा, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। वेरी गुड। व्हिच वाज द फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म? हिंट पूछने है तो पूछ सकते हैं। साउंड फिल्म मतलब वोकल या मतलब बैकग्राउंड साउंड? तो आई थिंक मतलब आप जिसमें बोल सकते हैं। पहले गाने आलम आरा। हां, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब हम एक सिचुएशन आपको देंगे, पूछेंगे और आपको उसको फेस करना है अगर आप बच्चे होते हैं। जनरल क्वेश्चन खत्म? हाँ, खत्म। मतलब मैंने अच्छे से उत्तर दिए ना? इतना डर लग रहा था भगवान, इतना डर लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछेंगे आप लोग। आपने एक गलत करा, बाकी एक फर्स्ट वन। आपकी मॉम ने आपको कपड़े गंदे करने के लिए मना किया था, बट आप खेलने के चक्कर में सारी व्हाइट यूनिफॉर्म गंदी कर लाए। मॉम को क्या बहाना बताओगे? और हम, मैं आपका पापा हूँ, ये मम्मी, अब आपको हमको फेस करना है, बोलो। फिर मैं वो भी बात खोल दूंगा पापा। क्या? पापा बाहर गए थे तो टीचर है ना, मेरी टीचर, उनसे कुछ टकू 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 बात कर रहे थे। अब जब मैंने कहा कि आप अगर टीचर से ऐसे बात करोगे तो मैं मम्मी को बोल दूंगा, तो इन्होंने खींच के मेरे लात मारी, इसलिए मैं गंदा हो गया। बेटा तुम झूठ कहते हो बहुत, अब सच बताना क्या हुआ था। कितने बार पूछोगे क्या हुआ था? जब तक मुझ पे इंजाम डालते रहेंगे तब तक मैं पूछता रहूंगा। अब बताओ। मैं फ्रेंड ने धक्का दे दिया था। चलो अब ठीक कहा, सुन लिए ना, मैंने कुछ नहीं करा था। ये पापा ने मुझे बताया कि ये मम्मी को बोल देना। ये तो बहुत गलत बात है, ऐसे करते हैं। माफ करो, ठीक है, मैंने कर दिया बस। अब हमारा शो खत्म होता है। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो जिस तरीके से आज आप लोगों के सामने हमें नैना किट्टू के साथ में जो है करने का या बोलने, अपनी अपनी बात रखने का जो हमें मौका मिला है, बहुत मज़ा आया। आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसके कमेंट्स भेजिए, आप लाइक भेजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, रिस्पेक्ट यू ऑल।